बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माइला चैनल। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कानूनी शहादत आर्डर 1984 के हवाले से। पहले हमने डिस्कस किया था इसी आर्डर के हवाले से पहले प्रोग्राम में कि कौन सी नई चीज़ें जो एविडेंस एक्ट में नहीं थी और इसी कानूनी शहादत आर्डर में बाद अजा एड हो गई थी, उस पर हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ आर्टिकल्स को इसी तरह पढ़ना शुरू कर दें जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड आर्टिकल्स हैं और जो हमें प्रैक्टिस जो हमारे प्रैक्टिसिंग लायर्स हैं उनके हवाले से मैं बात करता हूं, जो उनको प्रोफेशनल प्रैक्टिस के दौरान उनका उससे सामना होता है, तो उसी मुख्तलिफ आर्टिकल्स को मुख्तलिफ प्रोविजन्स को आर्टिकल कानूनी शहादत आर्डर 1984 को हम एक दूसरे के साथ मिलाकर अगर पढ़ेंगे तो उसको हमें कानूनी शहादत आर्डर को समझने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो कानूनी शहादत आर्डर है ये एक शॉर्ट प्रिसाइज सब्जेक्ट है और इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको कोशिश करें हमारी विल इसको समझने की हो और हमारी ये ख्वाहिश हो कि हम इसको समझ सकें, स्किल के साथ विल भी ज़रूरी है कि आपका विल होना चाहिए। जैसा कि एक वो क्रिकेट का था कि शुएब अख्तर जो क्रिकेटर थे और उसने सचिन तेंदुलकर को एक मैच में बोल्ड किया, इस तरह उसी ओवर में उसने राहुल द्रविड़ को जो इंडियन क्रिकेटर्स थे उसको आउट किया, तो सचिन तेंदुलकर ने उससे बाद में पूछा कि ज़बरदस्त स्किल है आपकी कि आपने ये विकेट ले लिए और एक ओवर में आपने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, आपकी स्किल की मैं दाद देता हूँ। उसने कहा कि ये मेरी स्किल नहीं, मेरी विल थी कि मैं इन हीरोज़ को आउट कर दूँ और उसी विल की बुनियाद पर मैंने अपना ये टारगेट अचीव किया। तो अगर हमारी विल हो उस चीज़ को समझने के लिए तो मुश्किल नहीं है कि इन कवानीन को हम समझ सकें, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान हमारा इससे वास्ता होता है। एक और चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर वो बुक्स में अगर उसको नहीं दिया गया होता तो मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं उसमें उनके हवाले दिए गए होते हैं और उसी जजमेंट्स की बुनियाद पर वो चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एड इंटरम बेल के हवाले से अगर हम देखें तो एड इंटरम जो बेल है वो बुरी जो ज़मानत होती है इसकी कोई प्रोविजन वो CRPC में नहीं है, लेकिन ये जो एड इंटरम बेल की इसकी जो ये एनालॉजी है ये कहाँ से ये हासिल की है, तो ये इसकी कोई खास प्रयोजन उसमें नहीं है। इस तरह अगर हम देखें उबूरी ज़मानत के हवाले से एड इंटरम जो बेल होता है जो अदालत ग्रांट करती है इसकी कोई ख़ास प्रोविजन CRPC में मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जो ये एनालॉजी है वो मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 1981 पेज 599, उससे वो ली गई है कि अगर उबूरी ज़मानत की जो एनालॉजी है वो वहाँ से ली गई है कि अगर उबूरी ज़मानत ग्रांट की जाती है तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्यों वो ग्रांट की जाती है, तो इसकी जो एनालॉजी ली गई है वो CPC में 39 रूल 1 जो उबूरी हुक्म इम्तनाई के हवाले से वो है उससे वो ली गई है। ये अगर हम पढ़ें 1981 लाहौर पेज 599 ये इंतहाई अहम है। इस तरह ये फुल कोर्ट की ये जजमेंट है और ये CPC से इन्होंने ये लिया है। एक और जो जजमेंट है PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट पेज 708, उसमें अगर मुख्तलिफ डिस्प्यूटेड है, एक केस में FIR हुआ है, एक में कंप्लेंट हुई है और उसी कंप्लेंट और उसी FIR केसेस को यकजा करने के लिए ये जो एनालॉजी वो उन्होंने ली है, ऐसी कोई ख़ास प्रोविज़न CRPC में अगरचे मौजूद नहीं है लेकिन इसके लिए जो एनालॉजी ली गई है वो इसी CPC के जो हम मुख्तलिफ केस वो सिमिलर नेचर के वो यकजा करते हैं। इसी तरह अगर गवाहान उसमें सेम हो, एक ही कंप्लेंट और उसकी FIR की कहानी एक हो लेकिन मुख्तलिफ मुकदमात हो तो उसको भी यकजा किया जा सकता है। और ये है PLD 1966 सुप्रीम कोर्ट, इंतहाई मशहूर जजमेंट है पेज 708। इस तरह PLD
1971। आमाम तौर है कानूनी शहादत के हवाले से हम जब पब्लिक किसी डॉक्यूमेंट्स को हम एग्जिबिट्स करते हैं तो हमारा ये होता है, हमारा ये तसव्वुर हम ये करते हैं कि डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया तो ये फ्रू हो गया। PLD 1971 ये इसमें इसके लिए वो रूल्स दिए गए हैं कि अगर एक डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स है और फॉर एग्जांपल वो एग्जिबिट भी हो गया तो उसको प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए वो जो रूल्स ऑफ एविडेंस जिस तरह मैंने बात की थी उसको साबित करने के लिए वही तरीक़ाकार अपनाना होगा कि जिस तरह एक डॉक्यूमेंट को हम प्रूव करते हैं। सिर्फ एग्जिबिट होने से वही डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट वो प्रूव नहीं हो जाता, उसको प्रूव करने के लिए वही तरीक़ाकार अपनानी पड़ती है। एक और जो इस हवाले से मैंने अपने साथ नोट की है और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स की जो कंटेंट्स हैं, एक डॉक्यूमेंट्स है फॉर एग्जांपल उसकी वो कंटेंट्स जो उसके अंदर मंदरजात हैं उसको प्रूव करने के हवाले से हैं कि उसको किस तरह प्रूव करना चाहिए। इस तरह आर्टिकल 139 भी नहायत तो ज़रूरी है। आर्टिकल 140 जब हम कन्फ्रंट करते हैं एक डॉक्यूमेंट्स को किसी गवाह से, अगर उसका कोई पेश साबिका कोई उसका एविडेंस मौजूद हो, उसका कोई बयान मौजूद हो और वो हम उनसे वो कंट्ररी हो उसी एविडेंस से, तो कन्फ्रंटेशन जब हम करते हैं तो आर्टिकल 140 कानूनी शहादत ऑर्डर उसके लिए लाजिमी है। अच्छा, आर्टिकल 87 और आर्टिकल 89 ये है सर्टिफाइड कॉपीज के हवाले से। आर्टिकल 87 और आर्टिकल 89 जो है वो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हैं। तो जो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से आर्टिकल 89 और जो हम सर्टिफाइड कॉपी जब हम प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान तो उसको आर्टिकल 87 उसके लिए पढ़ना इंतहाई लाजिम है। एक और चीज़ आर्टिकल 161 जो सेक्शन 161 के तहत जो हम बयान जब हम कोई पुलिस अफसर सेक्शन 161 के तहत वो रिकॉर्ड करता है तो उसी हवाले से अगर दौरान जरा इन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान के अगर हम उस हवाले से सवाल करते हैं और वो 161 का जो स्टेटमेंट्स है वो फाइल पर न हो तो उसके हवाले से आप उसके हवाले से नहीं पूछ सकते। इस तरह जो सेक्शन 161 के हवाले से अगर किसी गवाह ने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की हो तो उसके हवाले से फिर आप अपनी जरा में पूछ सकते हैं कि आपने ये जो बयान रिकॉर्ड किया था उसमें ये बयान आपने दिया था या नहीं। आपने जो एविडेंस जो होती है वो डायरेक्ट ओरल एविडेंस जो होती है वो डायरेक्ट एविडेंस होती है और आर्टिकल 71 उस हवाले से बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं एक मिसाल आपको दे दूँ, अगर एक गवाह अगर एक शख्स घर में मौजूद है, गली में उसने फायर की आवाज़ सुनी और जब वो बाहर आ गया तो उसने एक शख्स को भागते हुए सिर्फ देखा, उसने उसी वो कुआ को सरजद होते हुए किसी को नहीं देखा लेकिन एक शख्स को उसने देखा जो या भाग रहा था या इसी पोजीशन में था कि उससे ये जाहिर हो रहा था कि वाकई ये कुआ इसने किया हो, तो ऐसी अगर सूरत हाल है बेसिक ये तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है लेकिन इसको भी एक्सेप्शनल सरकमस्टांसिस है कि ऐसी एविडेंस भी एडमिसिबल है और ये भी उसमें मुख्तलिफ एक्सेप्शंस उसमें ये आर्टिकल 71 में दी गई है। डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है, अगर बयान नजा जिसे हम कहते हैं एक शख्स मरता है तो बेशक वो जब एविडेंस जब अदालत में पेश होती है तो वो तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती लेकिन ये जो एविडेंस है ये भी एक्सेप्शंस में उसमें आती है। जो आर्टिकल 3 है हमारा कानूनी शहादत का उसमें ये दिया गया है कि कौन शख्स अदालत में शहादत दे सकता है तो उसमें बास एक्सेप्शंस दी गई हैं कि ये शहादत नहीं दे सकता, उसमें बच्चे हैं बूढ़े हैं लेकिन अदालत फिर उसको एग्जामिन करेगी कि वो कैपेबल है कि वो इसकी एविडेंस अदालत में दे सकता है या नहीं दे सकता, ये फैसला फिर अदालत करेगी। इसी तरह जो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल
141 और 151 आर्टिकल, उसमें ये दिया गया है कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो आप गवाह से जरा के दौरान कर सकते हैं। जो क्रॉस एग्जामिनेशन जब एविडेंस के दौरान होती है तो उसमें ये चंद चीज़ें हमने उसको गवाह की क्रेडिबिलिटी है उसको हमने चेक करना होता है, उसे हमने कंट्राडिक्शन निकालनी होती है कि जो एविडेंस दे रहा है ये इसकी पोजीशन क्या है, ये गवाह कौन है, इसकी पोजीशन क्या है, ये वाकई वहाँ मौजूद था या नहीं। तो इस किस्म की जो ये जो सच्चाई हम निकालते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो जब क्रॉस एग्जामिनेशन हम करते हैं तो आर्टिकल 141 और 151 में हमें बताया गया है कि कौन कौन से सवालात हैं जो हम जरा के दौरान कर सकते हैं और कौन से सवालात हैं जो नहीं कर सकते। इस तरह आर्टिकल 55 को अगर हम आर्टिकल 158 कानून शहादत अर्डर 1984 के साथ पढ़े तो उसमें आर्टिकल 155 और आर्टिकल 158 का हम एक दूसरे के साथ पढ़ें, उसमें यह है कि अगर ज़िमनी में एक हम सवाल करते हैं, पुलिस ज़िमनी है उसमें हम सवाल करते हैं, तो उसकी तो इजाज़त नहीं है कि हम उसमें सवाल करें। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवाह आया है अदालत में और वो उसी ज़िमनी से अपनी मेमोरी वो रिफ़्रेश कर रहा है, तो फिर आप उसकी कापी भी ले सकते हैं और उस पर फिर आप सवालात भी कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की, मज़ीद भी इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के दौरान एक चीज़ को हमने जहन में रखना चाहिए कि दौरान क्रॉस एग्ज़ामिनेशन अक्सर हमारे वकला साहिबान झगड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। एक सवाल आप करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उससे कोई बदमजगी पैदा होती है, उससे लड़ाई कोर्ट्स में शुरू होती है, तो उसको फिर उसी सवाल को आप छोड़ दें, ज़रूरी नहीं कि उसी सवाल को आप करें। लेकिन अगर आपने ज़रूर लाजिमन उसको करना हो तो हालात जब नॉर्मल हो जाए तो घुमा फिरा कर आप दोबारा फिर भी वही सवाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा वकील की ये खसूसियत है कि वो जज्बात में ना आए, अदालत में लड़ाई झगड़ा ना करे। तो ये चंद चीज़ें तो जो आज हमने डिस्कस की, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में मज़ीद इसी कानूनी शहादत आर्डर के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम अपनी जो इस्तेताद के मुताबिक जो हमारा थोड़ा बहुत हम रिसर्च करते हैं, जो ढूंढते हैं, क्योंकि जो कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता ला में, हम सब वी आर स्टूडेंट्स ऑफ ला, तो हम अपनी इस्तेताद के मुताबिक कोशिश करते हैं कि जो नए हमारे वकला हैं या जो हमारे वकला साहिबान हैं जो हमारे ये प्रोग्राम सुनते हैं, उनको हम कुछ ना कुछ मवाद फराहम करें, ख़ुद भी सीखें और उनसे भी अपनी नॉलेज शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। आप भी अपनी नॉलेज अगर आपके पास है तो शेयर करें, अपनी कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। हमारा जो ईमेल दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा और आपकी आरा की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाएंगे। किसी को तो फ़ायदा होगा। आइंदा प्रोग्राम में आपके साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।